नमस्कार, मैं प्रज्ञा धरधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक के प्रमुख खबरों को। न्यूज क्लिक वेबसाइट के पत्रकारों के ठिकानों पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने छापेमारी की है। स्पेशल सेल ने मंगलवार को सुबह एक साथ दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में रेड मारी है। वहीं दूसरी तरफ न्यूज क्लिक से जुड़े विभिन्न परिसरों पर दिल्ली पुलिस की चल रही छापेमारी 17 अगस्त को UAPA और IPC की अन्य धाराओं के तहत दर्ज मामले पर आधारित है। UAPA IPC की धारा 153A, IPC की धारा 120B की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। मलेरिया की रोकथाम के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत एक नए और अच्छे टीके की सिफारिश की गई है, जिसका नाम R21/MatrixM है। ये पहले ही टीकों के मुकाबले सस्ता भी है, जिसे इस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा। दरअसल 25 से 29 सितंबर को टीकाकरण पर विशेषज्ञों का रणनीतिक सलाहकार समूह और मलेरिया नीति सलाहकार समूह की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें इस नए टीके की सिफारिश की गई। WHO महानिदेशक ने भी इसका समर्थन किया था। बिहार की तर्ज पर झारखंड सरकार भी राज्य में जाति आधारित जनगणना की तैयारी कर रही है। इसी वर्ष विधानसभा के मॉनसून सत्र में राज्य सरकार ने जाति आधारित जनगणना का प्रस्ताव तैयार कर भारत सरकार को भेजने की बात कही थी। जल्द ही राज्य सरकार विधानसभा से जाति आधारित जनगणना का प्रस्ताव पारित करा केंद्र सरकार को भेजेगी। पक्ष विपक्ष की ओर सभी जाति जनगणना कराए जाने की मांग उठती रही है। सदन में राज्य सरकार से कहा गया था कि बिहार की तरह ही झारखंड में भी जातीय जनगणना होनी चाहिए। पड़ोसी देश पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आजादी की मांग उठ रही है। यहां की अव्यवस्थाओं से परेशान सरकार के एक धड़े ने इसके खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। ISI और पाकिस्तानी फौज के इशारों पर नाचने वाले नेताओं में इसकी वजह से डर का माहौल है। ये डर पाकिस्तान की आवाम में लगातार उठ रहे असंतोष की वजह से है। पाकिस्तान में आतंकी और उनके आकाओं में एक अजीब तरह का खौफ है। ये खौफ विद्रोह की वजह से मुल्क के टूटने का खौफ है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के हत्थे चढ़े 3 आतंकियों से कई अहम खुलासे हुए हैं। मुख्य आरोपी शाहनवाज साथियों के साथ दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के 18 जगहों पर रेकी कर चुका था। उसे सीमा पार से निर्देश था कि बड़े पैमाने पर ब्लास्ट कर तबाही मचानी है। IAS के इस पुणे मॉड्यूल में नौजवानों को भर्ती करने से लेकर उन्हें विस्फोटक तैयार करने और उसे ब्लास्ट करने की ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत के साथ छिड़े कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय विवाद के बीच कनाडा से अच्छी खबर आई है। उम्मीद है कि खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का कत्ल कराने वाला गोल्डी बराड़ को कनाडा भारत को सौंपेगा। यह भरोसा कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के करीबी सांसद सुखमिंदर उर्फ सुख सिंह धलीवाल के द्वारा दिया गया है। साथ ही निज्जर के मामले के बाद कनाडा पर लगे आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप पर इस बात पर उन्होंने कोई साफ नहीं किया कि वह खालिस्तान का समर्थन करते हैं या विरोध। हिमाचल प्रदेश में क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से हजारों निवेशकों के साथ धोखाधड़ी के मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। प्रदेश के एक निर्दलीय विधायक ने विधानसभा में यह मुद्दा उठाया था और आरोप लगाया था कि जालसाजों ने पिछले 5 साल की अवधि में हजारों निवेशकों के साथ 200 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की है। साल 2018 से यह धोखाधड़ी शुरू हुई थी, जिसमें क्रिप्टो सिक्कों की श्रृंखला तैयार करने का दावा किया गया था। कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल की तरफ तेजी से बढ़ रही है। इसी बीच मध्य पूर्व में सबसे बड़े ऊर्जा सम्मेलन के लिए मंत्री और तेल उद्योग के प्रमुख एकत्र हुए हैं। इस सम्मेलन में तेल की बढ़ती कीमतों पर और ओपेक प्लस द्वारा आपूर्ति में जो कटौती की गई है वह कब तक रहेगी, इस विषयों पर चर्चा होगी। अबू धाबी में वार्षिक ADIPEC शिखर सम्मेलन में प्रतिनिधि, जो अपने लंबे इतिहास में तेल पर हावी रहा है, अपना समय ऊर्जा परिवर्तन के लिए लगाएंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK Stalin ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया। CM Stalin ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष के सिवन सहित तमिलनाडु के 9 अंतरिक्ष वैज्ञानिकों में से प्रत्येक के लिए 25 लाख रुपए के नकद इनाम की घोषणा की है। उनका कहना है कि वैज्ञानिकों ने अपने योगदान से राज्य और देश को गौरवान्वित किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें न केवल मुख्यमंत्री के रूप में बल्कि एक तमिल के रूप में भी गर्व है। इन 9 में से 6 वैज्ञानिकों ने तमिलनाडु के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की है। माई गवर्नमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आकाश त्रिपाठी को इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के हेड का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। देश की $10 अरब की चीप सब्सिडी स्कीम को इसी मिशन के तहत आगे बढ़ाया जा रहा है। इस मामले में वाफिल लोगों ने मनी कंट्रोल को यह जानकारी दी। आकाश त्रिपाठी ने 1998 बैच के IAS अधिकारी हैं। वह अमितेश सिन्हा की जगह लेंगे, जो इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस ऑफिसर हैं और टेक्नोलॉजी हार्डवेयर के लिए प्रोडक्शन लिक्विड इंसेंटिव स्कीम के प्रभारी और IT एक्ट की धारा 69 के तहत सोशल मीडिया सामग्री हटाने के इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के नोडल अधिकारी भी थे। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति में पश्चिम प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग का मुद्दा उठा है, जिसका समर्थन केंद्रीय मंत्री और BJP नेता संजीव बालियान ने भी किया। वहीं BJP नेता संजीव बालियान की पश्चिम प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी की प्रतिक्रिया सामने आई है। पश्चिम प्रदेश को अलग राज्य करने की मांग पर कांग्रेस सांसद ने कहा कि 9.5 सालों में याद नहीं आई, अब चुनाव के कारण अलग राज्य की याद आ रही है।
ब्रिटेन में खालिस्तान के समर्थकों ने एक बार फिर दुस्साहस करने का प्रयास किया है। लंदन में भारतीय उच्चायोग के बाहर सोमवार को भारी संख्या में खालिस्तान समर्थक इकट्ठा हुए। उन्होंने काफी देर तक वहां विरोध प्रदर्शन किया। उच्चायोग में ब्रिटिश सुरक्षा बलों की भारी मौजूदगी है। प्रदर्शनकारियों को उच्चायोग के विपरीत दिशा तक ही सीमित करने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक स्पष्टीकरण में कहा है कि ई सिगरेट और इसी तरह के उपकरणों को किसी भी रूप या मात्रा में रखना इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 का उल्लंघन है। आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि स्पष्टीकरण पिछले महीने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भेजा जा चुका है, जिससे प्रतिबंध के कार्यान्वयन को मजबूती मिलेगी। मंत्रालय ने कहा कि हालांकि PECA में ई सिगरेट के व्यक्तिगत उपयोग पर प्रतिबंध का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है, लेकिन ई सिगरेट के उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन पर रोक न लगाने के लिए कानून बनाया गया है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने सोमवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 6.5% की दर से बढ़ेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पिछले 9 वर्षों में किए गए सुधारों से देश की व्यापक आर्थिक स्थिति को फायदा हो रहा है। कुमार ने आगे कहा कि भारत को 8% से अधिक की वृद्धि की जरूरत है और वह कर सकता है, क्योंकि देश की युवा आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करने और अपने कार्यबल के लिए पर्याप्त नौकरियां पैदा करने के लिए आर्थिक विकास के उस स्तर की आवश्यकता है। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड फिलहाल कॉर्पोरेट दिवालिया समाधान प्रक्रिया से गुजर रही है। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के ऋणदाताओं ने स्पेस मंत्रा द्वारा प्रस्तुत बोली की खारिज कर दिया है। स्पेस मंत्रा लेनदार समिति को ई वोटिंग प्रक्रिया में बहुमत हासिल करने में असफल रही। इस साल जुलाई में प्रस्ताव COC के समक्ष पेश किया गया था। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड FRL ने सोमवार को कहा कि स्पेस मंत्रा द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को COC ने पास नहीं किया है। अब दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 के तहत कार्रवाई की जाएगी। स्पेस मंत्रा ने करीब 550 करोड़ रुपए की पेशकश की थी, जो लिक्विडेशन वैल्यू के काफी करीब था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म विवाद पर बड़ा बयान दिया है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन धर्म ही एकमात्र धर्म है, बाकी सभी संप्रदाय और पूजा पद्धतियां हैं। सीएम योगी की टिप्पणियां ऐसे समय में आई है जब DMK नेता उदय निधि स्टालिन की सनातन धर्म की तुलना डेंगू से करने वाली विवादास्पद टिप्पणी के बाद इस पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। बिहार सरकार द्वारा जारी आंकड़ों में बताया गया है कि OBC समुदाय में यादव राज्य की आबादी का 14.27% है। जाति सर्वेक्षण में यह भी जानकारी दी गई है, कुशवाहा यानी कोयरी 4.27% और कुर्मी 2.87% है। वहीं सवर्णों में ब्राह्मणों की 3.66%, राजपूतों की आबादी 3.45%, भूमियारों की आबादी 2.86% और सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा कायस्थों की आबादी 0.60% है। मालदीव में हुए राष्ट्रपति चुनावों में मोहम्मद मोइजू ने जीत हासिल की है। वहीं भारत के समर्थक माने जाने वाले मौजूदा राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोली को हार मिली है। मालदीव में 9 सितंबर को राष्ट्रपति चुनाव हुए थे, लेकिन किसी भी उम्मीदवार को 50% से अधिक वोट न मिल पाने की वजह से 30 सितंबर को दूसरे राउंड का चुनाव हुआ। मोहम्मद मोइजू को प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव की अगुवाई वाले उस गठबंधन का समर्थन प्राप्त है, जिसे चीन के साथ घनिष्ठ संबंधों के लिए जाना जाता है। MBBS पाठ्यक्रम चलाने के लिए मान्यता देने वाले शीर्ष चिकित्सा शिक्षा नियामक राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के एक मूल्यांकन में पता चला है कि किसी भी मेडिकल कॉलेज में पर्याप्त फैकल्टी सदस्य या वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टर नहीं थे और सभी 50% उपस्थिति की आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहे हैं। NMC के तहत अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड द्वारा 2022-23 में 246 कॉलेजों का मूल्यांकन किया गया है, जिसमें यह जानकारी सामने आई है। भाजपा की मणिपुर इकाई ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से कहा है कि लोग गुस्से में हैं, क्योंकि राज्य सरकार अब तक जातीय संघर्ष को रोकने में विफल रही है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी की राज्य इकाई की अध्यक्ष शारदा देवी, उपाध्यक्ष चौधरी चित्तानंद सिंह और 6 अन्य लोगों द्वारा हस्ताक्षरित एक पत्र में नड्डा को बताया गया है कि जनता का गुस्सा और विरोध अब तीव्र हो रहा है, जिससे लंबे समय से जारी अशांति के लिए सरकार की विफलता को जिम्मेदार ठहराया जा रहा। पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के लिए कई लाख कर्मचारी रविवार को राष्ट्रीय राजधानी के रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के इटावा से पहुंचे शिक्षक नेता सुनील वाजपेयी ने कहा कि अंडमान और लद्दाख समेत पूरे देश से 8 लाख से 10 लाख कर्मचारी जुटे थे। केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के संगठन नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया था। एशियन गेम्स 2023 के 10वें दिन भारत ने अभी तक कुल 2 मेडल अपने नाम कर लिए हैं। अर्जुन सिंह और सुनील सिंह सलाम ने पुरुषों की 1000 मीटर कैनो डबल में कांस्य पदक जीत भारत का खाता खोला। वहीं दिन का दूसरा मेडल प्रीति ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज के रूप में जीता। इसके अलावा कबड्डी टीम ने अपने अभियान का आगाज बांग्लादेश को रौंद कर जीत के साथ किया। वहीं तीरंदाजी में ज्योति और आदिति ने सेमीफाइनल में जगह बनाई है। भारत ने पुरुषों की 4x400 मीटर रिले में टॉप स्थान हासिल करते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को महाराष्ट्र के नांदेड़ के एक सरकारी अस्पताल में दवाओं की कमी के कारण 24 लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया और जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के नांदेड़ के एक सिविल अस्पताल में 12 शिशुओं सहित 24 मरीजों की मौत की खबर बेहद दर्दनाक, गंभीर और चिंताजनक है। कहा जा रहा है कि इन मरीजों की मौत दवा व इलाज के अभाव के कारण हुई है। पीड़ितों के परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं, हम विस्तृत जाँच की मांग करते हैं ताकि इस लापरवाही के दोषियों को न्यायपालिका से कड़ी सजा मिल सके। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दो शादीशुदा वयस्कों के बीच सहमति से बने विवाहेतर रिश्ते को रेप मानने का इनकार कर दिया है। यही नहीं, कोर्ट ने इस रिश्ते का राज खुलने के बाद महिला द्वारा आरोपी प्रेमी के खिलाफ दर्ज रेप की एफआईआर रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा एफआईआर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जुड़ी महिला के पति के घर छोड़ने का नतीजा है। ऐसी परिस्थिति में हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं है कि आरोपी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना और कुछ नहीं केवल कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार एक बार फिर गोल्डन टेंपल पहुंचे। आते ही उन्होंने सबसे पहले लंगर घर में महिलाओं के साथ सब्जी व लहसुन काटा है। इससे पहले वह देर रात 12 बजे तक यहां सेवा करते रहे। 24 घंटे में वह तीसरी बार सेवा करने के लिए पहुंचे हैं। सोमवार दोपहर को गोल्डन टेंपल पहुंचे राहुल गांधी ने छबिल के करीब जूठे बर्तन धोने की सेवा की थी। इससे पहले उन्होंने गोल्डन टेंपल में माथा टेका था। मणिपुर में हर गिरफ्तारी सबूत के आधार पर की गई है। एनआईए और सीबीआई ने 2 अक्टूबर को यह बात कही। दोनों एजेंसियों ने इंडियन ट्राइबल लीडर्स फ्रंट की ओर से लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि किसी भी समुदाय, धर्म या संप्रदाय के खिलाफ कोई पक्षपात नहीं किया गया है। सभी गिरफ्तारियां सबूत मिलने के बाद नियमों के आधार पर की गई है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर कनाडा के बेबुनियाद आरोपों के बाद भारत सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और कनाडा को खुली चुनौती देते हुए कनाडा को अपने दर्जनों राजनयिकों को वापस बुलाने को कहा है। बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने कनाडा से उसे 10 अक्टूबर तक लगभग 40 राजनयिकों को वापस बुलाने को कहा है। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के दावे के बाद कनाडा के खिलाफ भारत सरकार का यह तीसरा एक्शन है। डोमिनिकन गणराज्य की उपराष्ट्रपति रकेल पेना रोड्रिग्ज मंगलवार को भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंची है। वो यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अलावा अन्य भारतीय गणमान्य व्यक्तियों के साथ चर्चा करेंगे। इसके अलावा उपराष्ट्रपति रकेल भारतीय विश्व मामलों की परिषद में भारत डोमिनिकन गणराज्य संबंधों पर एक व्याख्यान भी देंगी। भारतीय वायुसेना के बेड़े में मेड इन इंडिया 97 फाइटर जेट शामिल होने वाली है। दरअसल स्वदेशी एरोस्पेस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वायुसेना ने यह फैसला लिया है। हालांकि इसके पहले भी 83 फाइटर विमान के लिए अनुबंध हुआ था। यह दूसरा अनुबंध हुआ है जिसमें 97 विमानों को शामिल करने की मांग की गई है। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीआर चौधरी ने कहा, हमने 83 LCA मार्क 1A के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। हमने 57 और विमानों को मांग की है जिसके बाद हमारे पास 180 विमान होंगे। अगस्त में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियों में अच्छी तेजी देखने के बाद सितंबर में ये 5 महीने के निचले स्तर पर आ गई है। भारत में विनिर्माण गतिविधियां सितंबर में 5 महीने के निचले स्तर पर रही है। आज जारी एक मासिक सर्वेक्षण यानी S&P ग्लोबल के हालिया सर्वे के मुताबिक यह जानकारी दी गई है, जिसके अनुसार परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स सितंबर में गिरकर 57.5 पर आ गया, जो अगस्त में 58.6 था। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुनू गोलू कुमार, गोलू यादव तिलकई, मोहम्मद फहीम, मोहम्मद सकीर हुसैन, दीपक, धनंजय कुमार, रविशंकर, अनवर करीम खान, नौसद अंसारी, बाबूलाल मरांडी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में पेट्रोल डीजल की क्या कीमत है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।